नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जो भी बच्चे शिक्षक बनने की सपना देखते हैं उनके लिए ये जो आज की वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं। और जो बच्चे बीपीएससी बिहार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक सीटेट नहीं क्वालिफाई है, तो उनके लिए एक सुनहरा अपॉर्चुनिटी है बच्चों। एक अपॉर्चुनिटी जो डीएलएड वाले बच्चे थे अगर खो दिए हैं तो इस बार नहीं खोना है। 6 to 8 के लिए वैकेंसी भरपूर रूप से लगभग 52,000 सरप्लस आ रही है, तो इस वजह से तैयार हो जाइए। और वह चीज़ें बढ़ भी सकती हैं बीएड वाले बच्चों का कंडीशन देख के। तो प्लीज़ जो बच्चे सीटेट अभी तक नहीं क्लियर है, यह बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। बीपीएससी 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, तो भी अच्छे से लगना होगा। हो सकता है यह बच्चे खुद ब खुद वह आपको एलिजिबल करेंगे अपीयरिंग वालों के लिए, क्योंकि सामने चुनाव है। अगर उन्होंने टीआरई फर्स्ट वाले में यानी कि प्री जो आपके प्राइमरी का एग्ज़ाम हुआ उसमें अगर उन्होंने सीटेट अपीयरिंग वालों को रखा था, तो इसमें भी श्योर है 99% है कि बच्चों को रखेंगे ज़रूर, है ना। तो इसके लिए आप डरो मत, बेहतरीन से तैयारी करिए दोनों का। थोड़ा सा हार्ड आपको लगेगा क्योंकि दोनों एक साथ, या आपकी गलती, आपने पीछे क्यों नहीं क्लियर किया, तो इस वजह से लगना ही आपके लिए एक माध्यम है। तो लग जाइए बच्चों, अब इसके सिवा कुछ नहीं बचा हुआ है, लग जाइए, यह लास्ट मौका है। अन्यथा कंडीशन में एक लंबा समय के बाद, लंबी अवधि के बाद आपको एक फिर से नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, यह अपॉर्चुनिटी हमें नहीं खोना है। तो चलिए फटाफट वीडियो शेयर करिए, हम यहाँ पर हर एक डाउट आपका क्लियर करने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। पहले तो हम कुछ और जानकारी जो आपको बेसिक दे देते हैं। कंडक्टिंग बॉडी सीटेट को कौन कराती है? सीबीएसई कराती है, जो सेंट्रल बोर्ड होता है वह कराती है बच्चों, याद रखेंगे। परीक्षा स्तर इसका क्या रहता है? अगर परीक्षा स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय परीक्षा स्तर होता है, मतलब इसमें हर राज्य के बच्चे भरते हैं, इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। जो बच्चा डीएलएड बीएड किया रहता है वो भरता है। अभी हम बताएंगे डीएलएड वाले कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, और बीएड वाले कौन से दे सकते हैं, पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड दे सकते हैं। परीक्षा की आवृत्ति वर्ष में 2 बार होती है, पिछले कई सालों में एक ही बार हुआ है, लेकिन इस बार से 2 बार होना स्टार्ट हो गया बच्चों, 2 बार होगा, जो कि सीबीएसई ने भी घोषणा कर दिया था। इसके बाद परीक्षा का मोड, या तो ऑनलाइन 2 बार से करा रहे थे, इसके पहले ऑफलाइन मोड था, लेकिन फिलहाल में जो बीपीएससी एग्ज़ाम ली है उसके लिए कि बहुत लंबा अवधि खींच जाता बच्चों ने, इस वजह से वो ऑफलाइन मोड में करा लिए एक दिन में, समझ रहे हैं। क्योंकि सीटेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना सेंट्रल की सेंटर, मतलब जो सेंटर होता है उसका कम एक तरह से उपलब्धि बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इस वजह से वो कई सारे दिन तक, मतलब लगभग 1.5 महीने तक एग्ज़ाम कराते हैं। तो इस वजह से इस बार भी एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मोड में ही होने वाले हैं, तो याद रखना बच्चों। और आप बेशक तैयारी करिए, पेपर तो एक ही बनेगा, और दोनों पेपर जो अप्लाई करेंगे फर्स्ट और सेकेंड, जो डीएलएड वाले बच्चे होंगे, क्योंकि वह दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और बीएड वाले बच्चे सिर्फ एलिजिबल होंगे सेकंड पेपर के लिए, क्योंकि दोनों को इस बार फोकस करना है सेकंड पे, क्योंकि सेकंड वाला क्लियर रहेगा तभी तो बीपीएससी के फॉर्म आपको भरने को मिलेगा। मतलब कि भर तो सकते हो अपीयरिंग में भी, लेकिन जो फाइनली हमको नौकरी चाहिए, जब तक क्लियर नहीं होगा सीटेट का सेकेंड पेपर तब तक नहीं मिलेगा बच्चों ना। परीक्षा की अवधि 150 मिनट रहती है, आपको पता है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। भाषा इंग्लिश और हिंदी रहेगा। वैधता जीवन पर्यंत रहेगा बच्चों, जब तक आप जिंदा रहोगे फॉर्म भरोगे शिक्षक का, तब तक के लिए सीटेट एक बार क्लियर कर लिए एलिजिबल हो गए। इसके बाद अगर अधिक जानकारी आपको लेने हैं तो seated.in.nic पे जाके, मतलब .nic.in पे जाके बच्चों आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डीएलएड बाहर होगा बीएड बाहर होगा, ये सब लफड़ा जो आपका चल रहा है ना, तो ये सब लफड़े को ना हम सलटाते हैं, देखना ध्यान से। पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, मतलब एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला बच्चों। प्राइमरी में सीडीपी जो आपका बाल विकास होता है, शिक्षण विधियाँ होती हैं, 30 नंबर पूछा जाएगा, याद रखना बच्चों। 15-15 नंबर का शिक्षण विधियाँ और बाल विकास में जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ होती हैं वह पूछा जाता है, कहने को है। लेकिन अगर 150 प्रश्न हैं इसमें, 150 ही होता है फर्स्ट और सेकेंड दोनों पेपर में, 150 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, और 150 मिनट ही मिनट भी मिलता है आपको पेपर के लिए। इतनी चीज़ें आपको याद है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए 150 में सभी बच्चे को अगर बाहर अगर सीटेट दे रहे हो तो 90 नंबर लाना अनिवार्य है, इतना मान के चलना बच्चों। उत्तर प्रदेश में अगर आप केवल देखना चाहते हैं, आज उत्तर प्रदेश की स्थिति देख ही रहे हैं, तो केवल 82 नंबर ओबीसी एसटी एसटी को लाना होता है सीटेट में, और जनरल को तो 90 नंबर लाना ही है। अन्यथा के कंडीशन में अगर आप अदर स्टेट प्लस केंद्र के एग्ज़ाम दे रहे हो तो 90 नंबर दोनों पेपर में
आपको चाहिए पासिंग, ठीक है ना। इससे ज़्यादा से ज़्यादा भी लाएंगे तो कंपेयर आपका बहुत ज़्यादा में नहीं होगा, आपको अच्छा मार्क्स मतलब एक गुडनेस में नहीं आओगे, आप उसी लेवल पर रहोगे, ठीक है ना। देखो तो CDP चाहिए, मतलब CDP होगा, दूसरा मैथ होगा, तीस नंबर है बच्चों इसमें पैडागॉजी वाला यानी शिक्षण विधियाँ भी आपके रहेंगे 15 नंबर मान के चलिए। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में, अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेते हैं तो लैंग्वेज सेकंड में हिंदी नहीं ले सकते, दोनों कंपलसरी है, दोनों लेना है, 30-30 नंबर का होगा बच्चों। EVS 30 नंबर का आपका यहाँ पे रहेगा, EVS में आपका पॉलिटी ज्योग्राफी ये सब रहेगा। इसी तरह से जूनियर वाला यानी कि पेपर टू, जो पेपर फर्स्ट रहेगा इसमें DLED और BEd दोनों एलिजिबल होंगे, और पेपर जो सेकंड रहेगा ना इसमें जूनियर भी अगर बात करें तो जूनियर में CDP रहने वाला है, और केवल BEd वाले बच्चे ही नहीं साथ में दोनों भर सकते हैं, DLED और BEd दोनों इसको भर सकते हैं पेपर टू को, लेकिन BEd वाले बच्चे ज़्यादा करके इसको फोकस करेंगे क्योंकि उनके लिए बस पेपर टू ही है। अब हो सकता है इस बार से जो पेपर टू है इसमें अच्छे हमको एक तरह से इसका जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड अच्छा देखने को मिले, मतलब कि पहले बहुत सारे बच्चे इसमें फेल हो जाते थे, अब इस पे बच्चे काफ़ी फोकस करेंगे क्योंकि BPSC भी है और BEd वाले जो फॉर्म भरेंगे केवल पेपर टू के लिए भरेंगे, तो हो सकता है इसमें हमको एक अच्छे मार्क्स अब से देखने को मिले, परसेंटाइल अच्छा देखने को मिले पासिंग बच्चों का। CDP 30 नंबर का बच्चों वही कंडीशन पैडागॉजी वाला। EVS जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए साइंस और मैथ रहेगा 60 नंबर में, जो बच्चे आर्ट बैकग्राउंड से हैं उनके लिए EVS मतलब SST सारे सब्जेक्ट, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे पॉलिटी हो चाहे हिस्ट्री हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, सब चीज़ें रहेंगी। प्लस लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड तो इसमें भी वही चीज़ है, जो बच्चे संस्कृत और इंग्लिश लेना चाहते हैं तो दूसरे में संस्कृत इंग्लिश या पहले में संस्कृत इंग्लिश तो दूसरे में हिंदी लेना पड़ेगा आपको, तो यह चीज़ें होंगी। ये तो रहा सिलेबस बच्चों। इसके बाद जो DLED BEd है तो आपको बता देते हैं, DLED के लिए दोनों पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो दोनों एलिजिबल रहेगा, 90 नंबर लाना बच्चों अगर स्टेट और प्लस अगर आपको केंद्र का एग्जाम देना है तो। BEd वालों के लिए बस सेकंड पेपर एलिजिबल होगा और प्लस 90 नंबर हर कैटेगरी को लाना अनिवार्य है बच्चों, अगर आप अदर स्टेट का डालना चाहते हैं केंद्र का डालना चाहते हैं तो। एग्ज़ाम डेट आपका एग्ज़ाम डेट मतलब मंथ बता देता हूँ, दिसंबर में ही होगा बच्चों, दिसंबर लास्ट तक हो सकता है आपका एग्ज़ाम या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में। पासिंग मार्क्स कितने रहते हैं मैंने बता दिया, 90 नंबर लाना सभी को कंपलसरी है बच्चों, ये सब बता दिया। कंडक्टिंग बॉडी क्या है, CBSE है। परीक्षा स्तर क्या है बच्चों, राष्ट्रीय है मतलब नेशनल स्तर पे होता है। परीक्षा की आवृत्ति कितनी बार होती है, साल में 2 बार होती है। परीक्षा का मोड ऑफलाइन होगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटे मतलब कि 150 मिनट, आप देख सकते हैं लगन निकाल लीजिए समय अपना। तो यह रहा पूरा का पूरा ब्यौरा बच्चों, आपको पता होना चाहिए जो हमने बताया, ठीक है ना। चलिए अगर कोई और भी अगर डाउट हो अभी तक मैंने क्लियर नहीं किया हो बच्चों, हाँ एक चीज़ और है, जो बच्चे बैक वाले हैं अपीयरिंग वाले हैं, जो बच्चे इस साल DLED में अगर आप फॉर्म भी अप्लाई कर दिए हो, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, एक दिन भी हुए हैं एडमिशन लिए हुए, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, बैक है तभी भर सकते हैं CTET के पेपर को। अगर आप एक तरह से कह लीजिए अभी कई समय तीन बार बैक हो चुका है आपका, तो भी आप चाहते हैं तो CTET दे सकते हैं, एलिजिबल माना जाएगा जब उन सबको क्लियर कर लेंगे तब, मतलब कि किसी भी कंडीशन में हो अगर आप DLED BEd कर रहे हैं तो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं बैक के बावजूद भी, तो आपका एक तरह से वो मान्यता मिल जाएगा मतलब पासिंग मिल जाएगा आपको, एलिजिबल होंगे आप किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए CTET के बेस पे फिर, ठीक है बच्चों। यह रहा सारी जानकारी, अगर अभी भी कोई जानकारी छूट रही हो तो आप कमेंट करिएगा, उसको उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, आपके हित में बनाया जाता है। नमस्कार।